Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या कहते हैं यार तुम जैसी औरतों को जो शौहर के होते हुए गैर मर्दों से नामहरम लोगों से गले मिलती हैं। इतनी भूख से मरे जा रहे हो तो जाओ अपने घर में खाओ। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। साडा चिड़िया तचंबा वे। नाराज हूं मुझसे, और ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? आपको तो मैं ऐसी हाल में पसंद हूं ना। अच्छा, वैसे तुम ऐसे भी मुझे प्यारी हो यार। इतने दिन बाद आया और 3 दिन से तुमने एक लफ्ज प्यार कभी बोला मुझसे। तो आपको कौन सी परवाह है मेरी? अगर परवाह नहीं होती तो यहां बैठकर तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करता। और आपने जो उस रात किया उसका क्या? जब से ये लोग आए हैं मेरा सुकून बर्बाद हो गया है, हर वक्त जिक जिक। तो तुम ऐसा करती क्यों हो? आपके पास मेरे लिए टाइम है? एक बार भी मेरे साथ कहीं नहीं गए आप। अपना नाम तो दे दिया आपने मुझे, लेकिन कभी अपना रिलेशनशिप शो नहीं किया किसी के भी सामने। इतनी बड़ी लिस्ट है शिकायतों की मेरी बेगम साहिबा के पास। चलो एक काम करते, आज सारे मीटिंग्स कैंसिल और आज का दिन सिर्फ आपके साथ। देखते हैं। अरे मान भी जाओ। तो फिर कैसा लगा मेरा साथ? बहुत अच्छा। और कब तक रहोगी साथ? हमेशा के लिए। तो फिर आज से हमेशा के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। और वैसे भी मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, समझे? अब ऐसा भी कुछ नहीं है, आपके बगैर मैं बहुत कुछ हूं। देख लेना, कबीर कबीर करती रहोगी। फिलहाल पास हो, कदर कर लो, वरना असल मोहब्बत का एहसास तो तब होता है जब इंसान दूर होता है। जब आप दूर होते हैं तो मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा। Which is most of the time। चले आज साथ हैं, अच्छी ड्राइव पर चलते हैं। ड्राइव मैं करूंगी लेकिन। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, मैं अपनी जान के साथ खेलता नहीं। कबीर प्लीज, आप हमेशा मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर शक करते हैं और आज तक आपने मेरी ड्राइविंग देखी भी नहीं। यार फॉर गॉड्स सेक मजाक मत करो, मैं चलाता हूँ। अच्छा कभी और सही, ठीक है चलो। इसके बाद आप 1 महीने इजलास पे चले जाएं। ओहो कबीर। डॉक्टर कबीर अब कैसा है, क्या कंडीशन है उसकी? इस हादसे में उनकी बैकबोन पे शदीद ज़र्ब आई है जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगें बेकार हो गई हैं और वो अब शायद चल नहीं सकते। Thank you.
कैसी चलाए? रियली वेरी गुड, लेकिन अब ठीक से पार्क करके दिखाओ। श्योर, हेल्प करवाएं। शाबाश, अब गाड़ी थोड़ा सा पीछे ले जाओ और फिर बिल्कुल यहीं पर आके पार्क करना। शाबाश शाबाश, पीछे जाओ। ये अब आराम से बिल्कुल यहां ले आना। अरे क्या हुआ, डर गए मिनिस्टर? मेरू, ये झटके के साथ नहीं, स्मूथली करो, एक और बार ट्राई करो, पीछे ले जाओ। अरे मेरू, क्या कर रही हो मेरू? अच्छा सॉरी, अभी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक से पीछे तो ले जाओ। अरे मिनिस्टर कबीर कुरैशी स्केट। मेरू क्या कर रही हो तुम? देखो चोट लग जाएगी, ऐसे मस्ती नहीं करते। चलो शाबाश, और मैं आके लेता हूँ गाड़ी। ओके सॉरी। कबीर कबीर, अब कैसा है, क्या कंडीशन है उसकी? देखिए उनकी हालत खतरे से बाहर है, उनकी जान तो बच गई है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर, क्या हुआ है? इस हादसे में उनकी बैकबोन पे शदीद ज़र्ब आई है, जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगे बेकार हो गई हैं और वो अब शायद चल नहीं सकते। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, आप भी दुआ कीजिए। मामा जानी, डैड कैसे हैं, क्या हुआ उन्हें? मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मामू जानी। बेटा डॉक्टर अभी उनका ऑपरेशन करें, वो जल्द ठीक हो जाएंगे, तुम घबराओ नहीं। हाँ शाबाश। उठो, मैंने कहा ना उठो। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, वो एक्सीडेंट गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं शट अप मेरू, ये सब तुमने जानबूझ के किया है, डैड को माजूर तुमने किया है। ऐसा क्यों करूंगी, कभी मेरे शौहर है। शट अप, आज के बाद जिंदा सबकी गंदी जबान से ना निकाल। तुम लोअर मिडिल क्लास लड़की सिर्फ मेरे खावल की एंटरटेनमेंट थी, बस। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा शौहर है, मेरी बेटियों का बाप है। यहां से उठो और यहां से निकल जाओ, वरना मेरे खावल के खिलाफ मैं तुम्हारा पुलिस केस करूंगी अटेम्प्टेड मर्डर का। सबकत सबकत इसको निकाल दो, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कबीर को देखना है, मुझे माथे गालो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। तुम्हें तो अब मैं जिंदगी भर अपने शौहर को नहीं देखने दूंगी। मैंने कहा ना चली जाओ यहां से,
चली जाओ। सबका अगर मेरे वापस आने तक यही हुई, मैं तुम्हें भी देख लूंगी और इसको भी। सबका मुझे कबीर से बात करनी है, प्लीज प्लीज मुझे एक बार कबीर से बात करने दे प्लीज। मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ गाड़ी पार्क कर रही थी। मैं जानबूझ के, सच्ची में मेरे जानबूझ के। मैरू, मेरा ख्याल है कि बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। जब वो मेरी बेटी ही नहीं रही, जब उसमें मेरी तरबियत का एक नफ्स भी नहीं है, तो मैं वहां रुक के क्या करता। इस उम्र में पहुंच कर मेरे साथ ये हो, क्या ये चाहते हो तुम? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आपकी बेटी ना सही पर मेरी बहन के साल में होगी। कहां होगी? होगी अपने महल में, और जिस हाल में भी होगी, ये उसकी अपनी करने का सिला है। देखा, देख देख कैसी कातिल औरत है ये। अरे अपने मियां को मार के खा गई है ये, और तू इसे उठा के यहां लेकर आ गया ताकि ये हमें भी मार डाले। अरे देख क्या रहा है। अरे सच कह रही हूं, ये झूठ बोलती आई है तुझसे। चाहे इसको जाके ना इसके बाप के घर छोड़ा। अरे छोड़ा इस मनुष को, पता नहीं इसकी वजह से हम पे क्या मुसीबत आ जाएगी। अम्मी बस कर दें आप, प्लीज बस कर दें। कोई मुसीबत नाजिल नहीं हो रही हम पे, मुसीबत तो आप लोगों ने नाजिल की है उस पे। अब खुश है ना? जो आप चाहती थी वो सब कुछ हो रहा है उसके साथ। अरे अरे ये इसके अपने गुनाह हैं। तौबा तौबा मेरे अल्लाह, तौबा या मेरे मौला। अरे ऐसे क्या गुनाहों की बौछार, क्या आधी आधी मिर्गियां आ रही है उसे। देख नहीं ना तो उसे, डॉक्टर क्या कह के गई है अभी। जा बेटा, अरे जा छोड़ा इस मनुष को, कोई बड़ी मुसीबत आ गई। अरे तो कहां भुगताते फिरेंगे हम, जा इसे छोड़ा। अब्दुल्ला क्या हुआ, ये खामोश क्यों हो? मेहरू के घर गया था, वो वहां नहीं थी। क्या, कहाँ चली गई मेहरू? चौकीदार ने बताया कि कबीर की पहली बीवी ने उसे घर से निकाल दिया। मगर वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे वो घर तो मेहरू का था, कबीर ने उसके नाम किया था वो घर। उसकी पहली बीवी उसे किस तरह से बेदखल कर सकती है? अरे मेहरू भी तो बीवी है उसकी। अब नहीं, तलाक दे दी है कबीर ने उसे। इसीलिए मैं आप दोनों को कह रहा था कि आप वहां पे चले। अगर आप दोनों होते वहां पे तो पता नहीं कहां चली गई, किस हाल में है।
बेटी है इस घर की, हमारी इज्जत है। आज वो अगर इस हाल पर पहुंची है ना, तो उसकी जिम्मेदार भी हम हैं, आप हैं, और आगे भी जो उसके साथ होगा, अगर वो मर भी गई तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे, आप अब्बा मियां, आप। बकवास बंद करो अपनी। मैं बाप हूं, मेरे ऊपर सबको पालने का जिम्मा था, तो गुर्बत के बदतरीन दौर से गुजरा हूं मैं, सिर्फ अपना मुंह दिया, अपनी बेटी के हाथों उसी के घर में उसके हाथों हर वक्त हर लम्हे बेइज्जत होता रहा। अब भी मैं ही जिम्मेदार हूं, चार पैसे कमाने के बाद तुम्हें एहसास हो गया कि तुम्हारा बाप इस घर को कैसे चलाता रहा। कयामत से पहले कयामत देखी मैंने, जब अपनी हयादार बेटी को नंगे सर नंगे बाजू देखकर सहता रहा, और तुम कहते हो मैं जिम्मेदार हूं। हां मैं जिम्मेदार हूं अपने किए का। तुम में गैरत है ना, तो जाओ जाओ। मैं अकेले इस घर को चला सकता हूं। कुछ नहीं किया तुमने, मुझे नहीं पैसों को तरजीह दी है, फिर क्यों आओगी मेरे पास। मैं तो आई थी आपसे मिलने। मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी, और तुमने सिर्फ खुद से, और अपनी इस खुदी में मेरे सारे सच्चे जज्बात दफना दिए। तुम्हारी जिंदगी में सब सही था सिवाय मेरे, मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी तुम्हारी जिंदगी में। अब देखना मेरो, मेरे बगैर क्या औकात रहती है तुम्हारी इस दुनिया में। कभी कभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैं बेवफा पाना ही हूं, मैंने जानबूझ के नहीं। कबीर 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 मैंने नहीं किया कुछ, कभी मैंने कुछ नहीं किया, चली जाऊंगी कहीं। बहुत सी जगहें होती हैं मुझ जैसी लावारिस औरतों के लिए। लेकिन तुम लावारिस नहीं हो ना, मैं हूं तुम्हारे पास। सटा चिड़ियां तचंबावे बावे।
कॉफी। थैंक यू। कैसी लगी मेरी पसंद? मैं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? मेरी वजह से तुम्हें बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। बहुत। अगर तुम चली जाओगी तो और भी ज्यादा खर्च होगा। मेरे मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम अपने पास रहो। तुम्हारे लिए कुछ भी करके बहुत मुतमईन महसूस करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन तुम जाओगी क्या? चली जाऊंगी क्या? बहुत सी जगहें होती हैं मुझ जैसी लावारिस औरतों के लिए। लेकिन तुम लावारिस नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे पास। मेरा घर, मेरा सब कुछ तुम्हारा। कबीर भी यही कहते थे, पर देखो क्या हुआ। आज ना मेरे पास घर है ना कुछ। असद, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से खाला की दिन रात बातें सुनती रहो। और जब उनको मेरा यहाँ रहना नहीं पसंद तो मैं यहाँ क्यों बोझ बनी रहूं तुम सब पे? तो ठीक है, तुम कहाँ जाना चाहती? अपने घर? मेरा कौन सा घर है असद? अब मेरा कोई घर नहीं है। हाँ, जिस घर की तुम बात कर रहे हो वहां तो लड़कियां शादी के बाद मर जाती हैं। इतने दिन हो गए किसी ने मेरी खैर खबर नहीं ली। अब तुम इससे अंदाजा लगा लो कि वो कितना मेरा घर। देखो मैरू, अगर तुम वहां नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें कहीं और तो नहीं जाने दूं। अगर तुम्हें कोई और सहारा देना तो मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रख सकती। तुम बोझ नहीं हो मुझे। नहीं, मैं और अब यहां नहीं रह सकती। फिर वही बहस। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें किस हाल में लाया था यहाँ पर? तुम क्या चाहती हो, फिर सड़क पर जाके छोड़ा तुम्हें? पर थोड़ी देर बाद तुम्हें फिट्स पड़ते हैं। अब इस हालत में मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं बताओ? आई नो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूं। और मोहब्बत का पास रखना आता है मुझे। अगर तुम ये सब मम्मी की वजह से कर रही हो तो मैं मम्मी को फरीसा भाभी के घर पे छोड़ा था। हमारे अब्बा मियाँ की यह गलती ने हमें क़यामत तक के लिए गुनाहगार कर दिया बेटा। अब्बा मियाँ, अरे ये क्या नहुसत फैला रखी है तूने मेरे घर में? तेरे बाप ने क्या कमरा बुक करवा कर दिया हुआ है जो तू यहाँ सारा दिन एंटी रहती है? क्या हुआ खाला? क्या हुआ खाला? अरे मैं नौकरों की तरह से काम कर रही हूँ सारा दिन और तू महारानियों की तरह से आराम करती चली जा रही है। ATV, सारे रंग हमारे।